नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा बडेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का गुरुजी के बारे में क्या मानना है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मलकीत सिंह है। कितने समय से सर डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? जी मैं 1992 में लगे हूँ डेरे में आने जी, 92 में नाम लिया था। सर पूरा परिवार जाता है? हाँ जी, पूरा परिवार, सारे रिश्तेदार सब आते हैं जी डेरे में और लगातार आ ही रहे हैं जी। कैसा माहौल लगता है सर वहाँ का आपको? डेरे में अच्छा माहौल है जी, बहुत गुरुजी अच्छी शिक्षा देते हैं जी, सेवा करने को कहते हैं जी, और जो भी भलाई के काम हो रहे हैं सब गुरुजी हमें सिखा रहे हैं जी, हम कर रहे हैं जी। कैसे काम हो रहे हैं सर? किसी का भी जैसे विधवा की कोई शादी करवाना जी, जो गरीबों को राशन देना, गरीबों को मकान बना के देना, मतलब हर तरह के भलाई का काम गुरुजी करवा रहे हैं जी हमसे। सर देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है गुरुजी ने? गुरु ने बहुत बहुत कुछ किया जी और कर भी रहे हैं जी, करवा रहे हैं हमसे, सेवादारों से करवा रहे हैं जी। आम जनता को क्या फ़ायदा मिलता है सर उनसे? आम जनता को बहुत फायदा मिल रहा है जी, अच्छे काम कर रही है जनता जी, बुरे कामों से दूर हो रही है जनता, अच्छे रास्तों पे चल रही है जी, जो भी काम है अच्छे गुरु जी सिखाते हैं वही करते हैं जी। सर आपको क्या मिला, आप क्यों आज भी उनके फेवर में बोल रहे हो? जी हम तो जैसे 92 में डेरे से जुड़े हैं जी, पहले जैसे भी कोई भी बुरे काम, बुरे हम गांव में रहते थे, गंगानगर के पास हमारा गाँव है जी, तो गाँव में बहुत बुरे काम होते थे, तो हम सब देखा अच्छा नहीं लगा जी, डेरे में आगे डेरे में हमको सब कुछ अच्छा लगा जी, तो डेरे से जुड़ गए, डेरे से आने लगे, सारे परिवार रिश्तेदार सब आते हैं डेरे में और बहुत अच्छा माहौल है जी डेरे में, बच्चे डेरे में पढ़ रहे हैं जी और भी जो कुछ भी है जी सब कुछ अच्छा है डेरे में, और बुराई कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी कह रहे हैं पिताजी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जी, गलत कुछ भी नहीं है डेरे में। सर आपकी बहन बेटियां भी जाती होंगी? हाँ जी जाते हैं, सब जाते हैं जी, बहनें भी आती हैं, मेरी बेटी वो भी स्कूल में पढ़ रही है जी, डेरे वाले स्कूल में पढ़ रही है, ऐसा इस तरह का कुछ भी नहीं है जी जो लोग कह रहे हैं जी। तो सर बेटियों को लेकर माहौल कैसा है? बहुत अच्छा माहौल है जी। सुरक्षा कैसी होती है? सुरक्षा बहुत अच्छी है जी, फिर जो ऐसी जैसी डेरे में सुरक्षा ना जी बेटियों की, बाहर की कहीं भी नहीं है, मैं भी एक ड्राइवर हूँ, बाहर हर जगह पे जाता हूँ जी, लेकिन जैसा माहौल डेरे में देखा ना अच्छा माहौल है, ऐसा बाहर कहीं नहीं है, बहुत जगह दूर दूर गया हूँ मैं लेकिन डेरे जैसा माहौल कहीं नहीं देखा बाहर। सर लेकिन बहुत अलग तरीके की हेडलाइंस दिखाई गई थी बेटियों को लेकर, जहाँ वहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर, वो सब गलत था जी, ऐसे झूठ बोल रहे हैं जी, जो भी गोल ऐसे जो कुछ भी कह रहे हैं ना लोग, वो सब गलत कह रहे हैं, डेरे में ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग कह रहे हैं जी डेरे में ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता जी, जो जितने भी काम होते हैं डेरे में अच्छे ही काम होते हैं, बुराई नहीं है डेरे में। फिर सर ऐसा क्यों लगाया जा रहा है, गुरुजी के बारे में ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही हैं? वो तो देखो जी पार्टियां कर रही है अपने अपने वो बनाने के लिए, लेकिन है नहीं ऐसा, जो जैसा लोग कह रहे हैं वैसा है नहीं है जी। 3-4 साल हो गए हैं सर अब गुरुजी समाज में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज अब के तो पर? बहुत बुरा पड़ रहा है जी, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जब से पिताजी गए हैं बहुत बुरा हो रहा है देश में, बहुत ज़्यादा नशे बढ़ रहे हैं जी, उसके बाद पिताजी के जाने के बाद नशा बहुत बढ़ गया जी, हमारे यहाँ भी अब सिरसा में बहुत बढ़ रहा है नशा जी, पिताजी जाने के बाद पहले ऐसा नाम निशानी नहीं था सिरसा का, बच्चों को कोई पता नहीं था जी नशे के बारे में, लेकिन अब बहुत बढ़ रहा है। जरूरत है सर आज समाज में, पिताजी की बहुत ज़रूरत है जी समाज में। अगर गुरुजी वापस आ जाते हैं तो क्या बदलाव आएंगे सर समाज में? बदलाव आएंगे जी, सारे बदलाव आएंगे पिताजी के आने के बाद, जो भी अब मान लो रास्ता इंसान भटक गया वो वापस अपने रास्ते पे चलेगा, अच्छाई के रास्ते पे चलेगा, अच्छे काम करेगा जी, तो अब देश अपने आप बदल जाएगा, जो भी बंदा कोई बुरा काम कर रहा है वो अच्छा काम करेगा तो देश तो बदलेगा ही जी, पिताजी अच्छे काम करवाते हैं, अच्छा काम करने को के लिए कहते हैं और करवाते भी हैं जी। क्या क्या आप समाज के लोगों को बताओगे अपनी वीडियो के द्वारा, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा को या गुरुजी को सिर्फ मीडिया के द्वारा ही देखा है? हाँ जी, जिन्होंने लोगों ने डेरे को या गुरुजी को मीडिया के द्वारा जानते हैं वो, उनको आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या बोलोगे? मैं तो यही कहूँगा जी, जो मीडिया वाले वो कह रहे हैं जी वो गलत कह रहे हैं, गुरुजी के बारे में बहुत मतलब अच्छा काम गुरुजी करवा रहे हैं जी। सरकार से क्या मांग करोगे गुरुजी? सरकार से मांग यही करते हैं जी कि हमारे गुरुजी को छोड़ दो और गुरुजी आए, हम हमारे से भी अच्छा काम करवाएं, और करवा ही रहे हैं, वो पहले भी करवा रहे हैं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आपको
फैक्ट की सीधी बातें आपको दिखा रहे हैं, जिनका मानना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और आज उनकी इस देश को, इस समाज को सख्त ज़रूरत है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। दिखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।